अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इंफॉर्मेशन क्राइसिस के बारे में। कि डाटा वेयर हाउस से पहले इंफॉर्मेशन के क्राइसिस के बारे में बात करने लगा हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। इंफॉर्मेशन क्राइसिस, वी आर फेस्ड विद टू स्टार्टलिंग फैक्ट्स। फर्स्ट वन है, ऑर्गेनाइजेशन हैव लॉट्स ऑफ डाटा, कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही ज़्यादा डाटा है। एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज रिसोर्स एंड सिस्टम आर नॉट अफेक्टिव एट टर्निंग ऑल दैट डाटा इनटू यूजफुल स्ट्रेटजिक इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि रिसोर्स थे, जो सिस्टम्स थे, वो इतने अफेक्टिव नहीं थे कि वो उस सारे के सारे डाटा को स्ट्रेटजिक इंफॉर्मेशन में चेंज कर दें, कन्वर्ट कर दें। तो इस वजह से इंफॉर्मेशन क्राइसिस पैदा हो गया कि उनके पास प्रॉपर रिसोर्स नहीं थे कि डाटा को यूज़फुल इंफॉर्मेशन में चेंज कर सकें, जिसकी वजह से वो अपना डाटा जो है उनका काफ़ी लॉस हो गया। ओवर द पास्ट टू डिकेड्स कंपनीज हैव एक्युमुलेटेड टन्स एंड टन्स ऑफ डाटा अबाउट देयर ऑपरेशंस। पास्ट टू डिकेड्स में कंपनीज के पास काफ़ी ज़्यादा डाटा होता, यानी कि अपने हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन अपना रिकॉर्ड रखती है, प्रीवियस रिकॉर्ड, ताकि आने वाले फ्यूचर में, आने वाले दिनों में वो डिसीजन ले सकें कि कौन सी चीज़ उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर होगी। तो ये रिकॉर्ड रखा जाता है। अब इतनी ज़्यादा तादाद में जो डाटा जो है उनके पास सेव होता रहता था, डे टू डे ऑपरेशंस होते थे, अब बेहतर रिसोर्स नहीं था कि उस डाटा को कहाँ रखा जाए ताकि ये फ्यूचर में हमें इस्तेमाल में हम इसे ला सकें। माउंटेन्स ऑफ डाटा एग्जिस्ट, इंफॉर्मेशन इज सेट टू डबल एवरी 18 मंथ्स। डाटा बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट हो गया, मतलब कि डाटा बहुत ही ज़्यादा उनके पास इकट्ठा हो गया, बहुत ज़्यादा डाटा था, लेकिन इंफॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर यूज़फुल इंफॉर्मेशन उनके लिए इस डाटा में से निकालना, ये सोर्स बेहतर नहीं था कोई भी उनके पास। और इंफॉर्मेशन को जो है एवरी 18 मंथ में डबल होते जाते, मतलब ये कि अगर हमारे पास डाटा है, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन में डे टू डे जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो डाटा भी कलेक्ट हो रहा है। अब वो डाटा कलेक्ट हो रहा है, उसको सेव करने के लिए किसी चीज़ की, किसी रिसोर्स की ज़रूरत है हमें, तो वो रिसोर्स हमारे पास नहीं था, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन क्राइसिस पैदा होते गए। मोस्ट कंपनीज आर फेस्ड विद एन इंफॉर्मेशन क्राइसिस नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सफिशिएंट डाटा, बट बिकॉज द अवेलेबल डाटा इज नॉट रेडिली यूजेबल फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। बहुत सी कंपनियों को, बहुत सी कंपनीज़ को इंफॉर्मेशन क्राइसिस का सामना करना पड़ा, इसलिए नहीं कि उनके पास सूटेबल डाटा नहीं था, बल्कि इसलिए कि वो जो डाटा था, वो डाटा जो है यूज़फुल इंफॉर्मेशन में के लिए काबिल नहीं था, वो डाटा जो है डिसीजन मेकिंग के लिए प्रॉपर रेडी नहीं हुआ था, इसलिए उनको क्राइसिस का सामना करना पड़ा। इंफॉर्मेशन क्राइसिस का सामना इसलिए करना पड़ा कि डाटा जो है वो यूज़फुल नहीं था प्रॉपर इंफॉर्मेशन के लिए। दीज लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ डाटा आर वेरी यूज़फुल एंड गुड फॉर रनिंग द बिजनेस ऑपरेशन। ये बहुत ज़्यादा मकदार में डाटा जो है बहुत अच्छा था और बिजनेस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए प्रॉपर था, बट हार्डली एमेबल फॉर यूज़ इन मेकिंग डिसीजन अबाउट बिजनेस स्ट्रेटजीज एंड ऑब्जेक्टिव। लेकिन बामुश्किल ही बिजनेस के ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजी में, बिज़नेस के अपने रूल्स जो हैं बिज़नेस को चलाने के लिए, उनको डिसीजन लेने के लिए, ये लेकिन ये प्रॉपर नहीं था। डाटा तो था, इंफॉर्मेशन, यूज़फुल इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से क्राइसिस पैदा हो रहे थे। डाटा नीडेड फॉर स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग मस्ट बी इन अ फॉर्मेट सूटेबल फॉर एनालाइजिंग ट्रेंड्स। एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजर्स नीड टू लुक एट ट्रेंड्स ओवर टाइम एंड स्टीयर देयर कंपनीज इन द प्रॉपर डायरेक्शन। जो मैनेजर थे उनको बैक फ्लैश में जाके जितना भी डाटा था वो देखना था। मैनेजर जब तक, कोई भी इंसान तब तक एनालाइज नहीं कर सकता जब तक कि उसे
प्रीवियस रिकॉर्ड का पता ना हो, जैसे उनको प्रीवियस रिकॉर्ड का इलम होगा तो आगे डिसीजन मेकिंग हो सकती है। तो प्रॉपर डाटा मौजूद नहीं था, प्रॉपर डाटा इसलिए मौजूद नहीं था, कोई रिसोर्स नहीं था जहाँ पर जो है प्रॉपर डाटा यूज़ रखा जा सके और उसे यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जा सके जो कि डिसीजन मेकिंग के लिए प्रॉपर हो। तो इंफॉर्मेशन क्राइसिस कुछ इस तरह से हुए कि डाटा जो है वो प्रॉपर नहीं था। अगर डाटा प्रॉपर हो तो इंफॉर्मेशन जो है मिल सकती है, जिससे हम अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, और अपने कमेंट में अपनी राय पेश करें ताकि हम और आपके लिए वीडियो बना सकें। अल्लाह हाफिज़।